سبحان الله وبحمده ربا العظيم سبحان الله وبحمده ربا العظيم سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الله سبحانه وتعالى اپنے فضل و کرم سے جب انسان کو اچھے اچھے اعمال کی توفیق سے نوازتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے انسان ان عبادات کو ادا کرتا ہے ان اعمال کو ادا کرتا ہے تو اس اعمال کی ادائیگی کی بات دوسری صورت جو ہے وہ ہے اس اعمال کی قبولیت کی ہے کہ کس درجے پہ اللہ کی بارگاہ میں عمل انسان کا قبول ہو رہا ہے. ایک بہت اہم چیز ہے, کچھ لوگ اور معیار رکھتے ہیں اس کو جاننے کے لیے کہ عمل کس درجے پہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کیا جا رہا ہے یا مقبول ہوتا ہے. میں کیونکہ تزکیے کی مجلس ہے اللہ کے فضل اور کرم سے, اسی انداز سے کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا باتیں, جس میں کچھ حال بھی ہوگا اور کچھ کال بھی ہوگا, بزرگوں کے حوالے بھی ہوتے ہیں باتوں میں. تو یہ پہلو ہے عمل کرنے کے بعد جاننا کہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا قبولیت ہے. لوگوں نے اس کا معیار تو مقرر کیا ہے اپنی طرف سے, اور عام میں اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی بڑے وظائف کرتا ہے تو اس کے بعد پہلی جو چیز انسان پہ وارد ہوتی ہے اور بزرگی کی بات ہوتی ہے کہ میں بزرگ بن گیا ہوں. بری بات نہیں ہے, الحمدللہ خواہش رکھنی چاہیے آدمی کو, اچھی چیز ہے بزرگی, بری چیز تو نہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ساری چیزیں محمود ہیں جس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے لیکن مقصود نہیں ہے. محمود ہیں, دعا بھی کی جا سکتی ہے, اللہ کہتے ہیں پڑھتے ہیں دعا میں رفع الدرجات, بزرگی ہے نا, معیار نہیں ہے قبولیت کا, یہ فرق ہے نا تھوڑا سا. بزرگ نے اس کو محمود کہا ہے, مقصود نہیں کہا. دعا کرنی چاہیے اس کی, بری چیز نہیں. بزرگی ملنا اور چیز ہے, بزرگی جتانا اور چیز ہے, فرق ہے نا دونوں چیزوں. جتائی نہ جائے, جب مل جاتی ہے تو پھر پتہ ہی چلتا ہے انسان کو بزرگ ہوں یا نہیں, تو قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ غوث تھا, قطب تھا یا ابدال تھا. وہاں درجات انسان کو نظر آ جائیں گے قبر کے اندر. بہت سے پوشیدہ بزرگ ایسے ہوں گے جن کے جا کے احوال
उनके सामने कुछ भी नहीं होते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब कब्र में डाला जाता है तो वहाँ पता लगता है कि मेरा मुकाम क्या था अल्लाह के नज़दीक। यहाँ जितनी चीज़ें पोशीदा है कब्र में जाके खुल जाती हैं राज सारे इंसान के, जो यहाँ बहुत बड़ा बुजुर्ग होता है वहाँ जाके राज खुल जाता है कब्र में, जब अजाबों को सामने करना पड़ता है कि किस तरह का बुजुर्ग था। तो असल राज तो वहाँ खुलेंगे। तो अर्ज करा था कबूलियत की कुछ जी भी एक इंसान ने म्यार रखा है कि भाई बुजुर्गी हो जाती है और फिर कुछ और ही बात अमल करने के बाद, जैसे सेब और फल खाने के बाद ज़रूरी आदमी अपने जिस्म की तरफ देखता है, मलाई गोश्त सब्जी खाने के बाद कौन सा मसल मेरा सही जा रहा है, पेट का पैर क्या साइज था अब क्या साइज हो गया, जिसम में कितने मतलब साइज का कुर्ता आता है, असर जो करते हैं विटामिन है ना खाना। तो इसी तरीके से इंसान अल्लाह की इबादत से गुजरता है, अल्लाह तौफीक देते हैं, तो एक चीज़ आई जाती है इंसान में कि भाई मैं अब कहाँ जा रहा हूँ। तो पहली चीज़ वो सोचते हैं आदमी भाई ख्वाब आ जाए, कश आ जाए, किसी बुजुर्ग की ज्यारत हो जाए, बस फिर वो समझते हैं मेरा जिक्र जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। और उसका शेख भी कह गया ना उसको तेरे जिक्र में कमी है, वो मानेगा नहीं, उसका अंदर से नहीं मानेगा, मैं आज ख्वाब देख के आऊँ या फलां की ज्यारत हुई है हौस पाक ख्वाब में, हजरत कहते हैं तेरा जिक्र नहीं है। ये बहुत बड़ी कुछ नुकते की बात बताई है आपको, बात वही सही होती है जो शेख कहता है। समझा की बात, ये तस्की की मजलिस में ऐसे हवाल वाली बात हाल वाली बात नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या झूठा हुआ, कष्ट झूठा हुआ, ख्वाब झूठा हुआ, हकीकत वही है जो शेख बता रहे हैं आपको, लेकिन इन्हें मानता आदमी नाराज होता है, हमने जाने नहीं हंसे पाए नहीं, उसके पास जाते हैं उसको सुनाते हैं अपना हाल, वो देखो हमें एकदम आगे से बिठा हुआ, पीछे से हमें आगे बिठाया करेगा, फिर आगे आए तशरीफ लाए बुजुर्ग आगे तशरीफ लाए, असले जो बुजुर्ग मुझे अपने हंसते का किस्सा याद आता है, एक साहब आए ये बुजुर्ग की बातें देखेंगे हम मौजूद थे ना, मैं हाजिर था खिदमत में गुलामी में था, लोग आते थे बैठते थे, मजलिस थी हजरत की खामोश मजलिस होती थी, कोई गुफ्तगू नहीं होती थी, ताकि कोई आगे गुफ्तगू करता था वो इतनी खामोशी होती थी कि पीछे वाला तक उनकी गुफ्तगू सुन लेता था, हालांकि वो सरगोशी कर रहा होता था लेकिन आवाज़ पहुंच जाती थी खामोशी की वजह से, स्पीकर तो आने कुछ ऐसा मामला नहीं था, मेरी आवाज़ पहुँच रही सब तक। तो हजरत के पास एक शख्स आके रहने का, हजरत कल मुझे ख्वाब में ऐसा हुआ और ये ख्वाब में वो नजर आया और ये चीज़ हुआ फलां चीज़ हुई, चाहे पता हुई हो फलां बुजुर्ग गए ऐसे कहा फलां हजरत ये हुआ फलां हुआ, तो सुनते रहे, सुनने की बात कहना भाई बात ये हुई गलती हुई, तुझे मेरी जगह होनी चाहिए था मुझे तेरी जगह होना चाहिए था। कैसी इसलाह हुई अलहमदिल्ला, वो तो चुप हो गया लेकिन मुझे दिन के लिए कितनी मसला थी, जहर ये इसलाह बुजुर्ग में होती ना जी, अच्छा ये ख्वाब नजर आया माशाल्लाह बड़ा अच्छा भी जी, चलो ये बैठो जी बस क्या बात है जी, बस आपके वजीफे मकबूल हो गए, कबूल है आपका जिक्र, काम बन गया आपका, ये है ना ये तवक्का करते हैं आदमी सुनाने के बाद ख्वाब अपने अहवाल को। तो ये एक चीज़ है, तो ये भी चलो अल्हम्दुलिल्लाह मान जाते हैं बुजुर्गों को आ जाते हैं अहवाल भी आ जाते हैं, हमें तो ज़िंदगी भर कभी ख्वाब ही नहीं आया, ख्वाब भी आप लोगों की शक्लें नज़र आती मुझे बैठे और बातें कर रहा, तो आज भी यही देख रहा था पता नहीं कौन आ रहा था ख्वाब में मेरे, ये तो फिर अहवाल की बात है ना अपनी पे, हम मैं ये कहूँगी मैं तो छोड़ूँ जिक्र शिक्र कबूल ही नहीं मेरा, क्या टक्करें माने रोज़ा भी रखा हुआ सब कुछ है, ये मतलब हुआ अभी स्टंट का तो ये भी है लोन स्टंट बनाए कश हो जाए करामात हो जाए ख्वाब हो जाए जो हम कहें वो, एक और स्टंट बनाया लोगों ने कि भाई काम सही हो जाए हमारे सारे, तब तो हमारा ये
जो है मकबूल हो गया वजीफा, माशाल्लाह वीजा लगना था लग गया, वाह जी वाह, फिर तो मिठाई भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, और माशाल्लाह इस्तकामत हो रही है, जिक्र भी तो कोई पूछते नहीं शेख को, हालांकि इस्तकामत फाकुल कलामत है, उस पर ये समझते हम कर रहे हैं नहीं, बल्कि इस पर क्या समझे कि मेरे शेख का फैज है मुझे पहुंच रहा है, इस्तकामत करा रहा है। मेरे आज सुनाते थे रहमतुल्लाह तस्वीर की मजलिस, अगर अपने शेख से, बड़ा अच्छा नुस्खा था जो हंसक फरमाते तहजीब में मुझे हर खत में तहजीब फरमाते थे, कहीं पीर ना समझना अपने आप को, हजरत जी भी लिखा है एक दफ़ा कि अक्सर लोग ऐसे होंगे जिनको इजाज़त मिले पीर समझ के अपने शेख से कट गए तो सुन लें, हजरत ने फरमाया बाद लोगों को इजाज़त मिल जाती है ना अपने आप को शेख और पीर समझने लगते हैं, वैसी ही बातें बस जी इनके लिए दुआ करें ये हमारे मुरीद बन गए हैं, बाकी इनकी तरक्की का फिक्र रहता है मुझे, इस किस्म के हवाले शुरू हो जाते हैं उनके, अपना भूल जाते हैं बस जी उनकी तरक्की का फिक्र है, वो इतने मेरे पास जिक्र सीख लिए है, उनके लिए फिक्रमंद रहता हूँ, और शेख से कह रही बात है सुभानअल्लाह। तो ये भी अहवाल बन जाते हैं आदमी के, कितने धोखे हैं नफ्स के आप देखें, हालांकि वो तो एक इजाज़त दी है, ये तो एक समझे कि हुक्म है हमारे शेख का जो हम कर रहे हैं, मैं तो अक्सर यही कहता हूँ मेरे शेख का हुक्म ना होता मैं अपने जाके नाच खाने की मजलिस में बैठता, देखें आप जिक्र मस्जिद में माशाल्लाह क्या नाच खाने चल रही होगी, तकीर होगी, मैं बैठता यहाँ भी बैठता हूँ लोग किसी मस्जिद में जाते घूमते फिरते अपने से हो जाकर तमाशा बानी करते। तो क्या कह रहा था, पाँच दिन से निकल गए मर्जी ये कर रहा था, चुप तुमसे पूछा मैंने, इतना बड़ा मुंह है तुम्हारा एकदम खुलता, तो मजलिस में जो था अवहाल इंसान की हजरत के सामने है, हजरत किस तरह उसकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी मजलिस समझ गई कि भाई अजाब है, तो हजरत ने फरमाया हर्ष कर रहा था कितनी बड़ा नुकता फरमाते बुजुर्ग क्या कुछ भी हो जाए इंसान किस मुकाम पे जाते, मैं इसका बता ना कि इस्तकामत जो है ये किसकी तरफ से है, अगर अपनी कोशिश समझी बस समय आ गई, नहीं बल्कि ये क्या है मेरे शेख का फैज है जिसने इस्तकामत नसीब हो गई, मेरे शेख का फैज मुझे अदब आ गया बैठना, वो बेअदब आदमी था जिससे फैज नहीं पहुँचता उसको, फैज की तीन निशानी बताई हजरत, अगर हजरत सुनाते थे कि अगर अपने शेख से मोहब्बत है, अकीदत है, इताअत है, खिदमत है, इसमें से एक में भी कमी होगी, यार रिप्ला का कॉल बता रहा हूँ आपको, इसमें से एक भी कमी होगी तो फैज बंद हो जाता है, फिर अक्ल को बकवास बवास शुरू कर देता है, बहुत फैज नहीं पहुँचना होता अपने शेख, याद कर ली बात है, मोहब्बत इताअत मोहब्बत हो इताअत हो अकीदा पक्का हो अपने शेख से खिदमत हो, ये सब चीज़ें जो जितनी ये मजबूत होंगी अल्हम्दुलिल्लाह उसी कदर जाके उसका जो अरफान हर तरफ मजबूत होता है उसका, ये एक बंद हो जाए इसमें से हज़रत फरमाते थे कि फैज बंद हो, फैज बंद हो गया और बस फिर वो नफ्स व शैतान के हाथ इंसान चला गया। तो मामला ऐसी है कि भाई ये कश कलामात ये तो कबूल इतने हैं, इनका तो कोई मामला नहीं बनता, ये तो कोई अमल का कबूल नहीं होता इंसान का, कुछ ये मियार है तो ये भी मियार तो नहीं कह सकते इसका, असल मियार क्या हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी एक इबादत से हम गुजर रहे हैं, रमज़ान की इबादत से, रोज़े की इबादत से, बहुत अला दर्जे की इबादत है, और ज़ाहिर है हमें मालूम तो होना चाहिए ना कबूलियत क्या चीज़ है, कबूलियत का जो एक मियार है वो है उस इबादत के बाद इंसान के अंदर अल्लाह का खौफ फट जाता है, ये निशानी है कि अगर किसी इबादत से, किसी फेल से, किसी अमल से, किसी इबादत से इंसान का अंदर अल्लाह का खौफ बढ़ रहा है
खौफ और रजा की कैफियत में तरक्की हो रही है इंसान की, तो समझ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह अमल उसका क्या है, कबूल हो रहा है। यह कबूलियत की निशानी है। रमजान है, ये बहुत बड़ी इबादत है ना रोज़ा, यानी इतनी इबादत ये मुनफरिद है दूसरी इबादत से कि अल्लाह ताला ने इस इबादत के बारे में जो अजर रखा है तो अल्लाह जी वजह फरमाए रोजे का अजर मैं हूं, रोजे का अजर मैं हूं फरमाए अल्लाह, ये कितना बड़ा है। अब इसकी क्या तशरीह की जा सकती है आप सोचें, इतना बड़ा जिसका अजर हो। रमजान के बाद आदमी सोचेगा नहीं कि भाई मुझे मेरी रोजा कबूल हुआ ही नहीं, यकीनन इसके जो असर असरात होंगे कबूल होने के पता चल जाएगा। क्या होगा, खौफ अल्लाह का, खौफ। खौफ क्या मतलब, अल्लाह अकबर, कि अब जो रमजान के बाद इंसान निकला है तो उसके रोजे की मकबूलियत को बताएगा रमजान के बाद कि खौफ खुदा की वजह से फिर वो गुनाह नहीं कर सकेगा। जो रमजान के बाद जिसको आप देखें उसकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है, उसके गुनाहों में, उसके अखलाक में, उसके जिस्म में, उसकी शक्लों में, उसकी हर चीज में तब्दीली मुकम्मल आ चुकी है। और पूरा साल जो है, जब भी एक हदीस देखें कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है हदीस का, कि जो एक अमल इंसान रमजान में करता है सारा साल उसकी बरकत रहती है। इस सेंस में है ना, क्योंकि खौफ जब डेवलप हो गया इंसान के अंदर अल्लाह का, तो खौफ क्या आपको खौफ इजाज़ देगा आप गुनाह करें फिर, क्या अल्लाह का खौफ इजाज़ देगा कि तब इंसान शैतानी तो बदमाशी करे या बेहूदगी करे, ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो पता लग जाएगा कि भाई सारा साल पता लगेगा कि मेरा रोज़ा कबूल था, है या नहीं, सारा साल उसको एहसास हो जाएगा कि मेरा रोज़ा जो था रमज़ान तो कबूल था। अगर उसने पूरा साल जिंदगी बदल के जिंदगी गुजार दी जिसके लिए रमजान लअल्लकुम तत्तकून कुरान ने कहा है, रोजे की ये तारीफ की है ना, है समझो कि इसका अमल मकबूल हो गया। तो भाई सबसे बड़ी चीज है जिससे हम जिक्र करते हैं, असकार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, खौफ खुदा होना चाहिए, अल्लाह खौफ पड़ गया। और खौफ की निशानी क्या है, अल्लाह खौफ की निशानी यह है कि इंसान के गुनाह नहीं करता, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, अल्लाह की नाफरमानी समझता। ये कुछ सजा तो नहीं दी अल्लाह पाक ने हमें, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, बीवी के पास जाना छोड़ दो, और जनाब सब कुछ बढ़ा दिया, ये कुछ सजा तो नहीं है। वजह यही है इसकी, इस मुजाहिदी की वजह यह है कि इतना फ़ायदे की चीज़ अल्लाह पाक ने हमें दी है कि तू इस अगर इसको सही तरीके से तूने अदा कर दिया तो फिर तेरे अंदर खौफ आना चाहिए कि तेरी कबूलियत की निशानी है, वरना तो फिर ये डाइटिंग ही की पूरा एक महीना उसने बेचारे अल्लाह के रहम पे कर आए तो सवाब दे दे अपने कर्म से, कह दे वो ये भी रोज़दार था इतना ही कह दे, लेकिन हकीकत यह है कि वो स्टैंडर्ड नहीं मिलता उस चीज़ का, मियार नहीं आता उस चीज़ का, ये खौफ नहीं आता। सबसे अजीम जमात जो है हमारे सरकारी दर्शन के बाद वह सहाबा कराम की जमात है, उसी खौफ की वजह से मुमताज़ है, गिरिया खौफ और अमाल में खुशखबरियों में तो कुरान भरा पड़ा है उनका, हदीस भरी पड़ी है हर सहाबी के बारे में मजमू तौर पर भी, जिसमें हर सहाबी आ गया और एक एक करके भी हर सहाबी की तारीफ मौजूद है। हज़रत उमर को देखें, अबू सदीक को देखें, अमीन माविया रज़ी अल्लाह ताला, यानी एक बहुत अजीम साहबी खाते में वही हैं, मुकाम रखते हैं और एक तफसीर रिश्तेदारी भी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बड़े ऊँचे साहबी हैं, तरजीह के साहबी, और खिलाफत राशिदा के बाद शुमार तो किया नहीं जाता लेकिन काम वसी किया उन्होंने, बेइंतहा फुतूहात इस्लाम के बारे में जो कुछ किया काम बहुत ज़्यादा किया, कितने बड़े साहबी थे, कितना बड़ा मुकाम था, उनको ईजी होना चाहिए था। बता रहा हूँ कि कबूलियत की, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि एक अमल की कबूलियत की मुश्किल तो नहीं है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, मुफीद है या नहीं,
अब अल्लाह अकबर। अमीन माविया रज़ी अल्लाह, मैं उन सहाबी की बात कर रहा हूँ, उनका मामूल ये हो गया था आखिर में कि बहुत किया तारी हो गया था, इस कदर रोते थे कि रेश मालिक जो थी उनकी टपकने लगती थी आंसुओं के साथ। माविया रज़ी अल्लाह ताला, और उनकी ज़मान पे अक्सर ही रहता था कि अबू बकर अच्छा हुआ तू तो चला गया, तू तो पाक साफ इस दुनिया से निकल गया, है उमर तू भी पाक साफ इस दुनिया से निकल गया, मेरा क्या होगा, मैं तो दुनिया के अंदर लतपत हो चुका हूँ, मेरे पास क्या अमल है, मैं क्या करूँ। ये आपका तरीका था, ये हाल था। और आखिरी वक्त में जो आखिरी खुतबा दिया समीर माविया ने, सुनने वाली बात थी, बेनतहागरिया क्या फरमाया कि भाई मैं अब जो मेरा कुछ पता नहीं, मैं मर जाऊंगा तो किसी अच्छे आदमी से कहना मेरा गुसल कर दे, आज चीज देखें नमस्कार ही देखें कितना बड़ा आदमी, कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो किसी अच्छे आदमी से कहना मेरा गुसल दे दे, और एक मेरा रुमाल है उस रुमाल को ले आना, मिला दुला के उस रुमाल के अंदर मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, नबी करीम से उनके नाखून शरीफा हैं, मुँह मुबारक है कुछ उसके अंदर, और कुछ कपड़ा है सरकार दरासम का, मुझे अपनी बख्शी का तो कुछ पता नहीं चलता, इसी सहारे पर मैं ये काम जमा किया था, ये मिलकर तलाश किया, एक सहाबी का फेर बता रहा हूँ, कहता है ये सारी चीज़ें मेरी आंखों में नाक में मेरी कानों के अंदर भर देना, अब भरने के बाद मुझे कब्रिस्तान में ले जाना, कब्रिस्तान में मुझे जाना था कब्र में डाल देना, तो बस एक लफ्ज़ का नाम या अल्लाह या रहम रहीमीन माविया को तेरे सुपुर्द कर दिया। ये क्या चीज़ थी, ये खौफ था, कितना खौफ था, इस खौफ से पता चलता है कि सारी जिंदगी अजी माविया की कितनी बुलंद होगी और क्या चीज होगी। हमारे की बात खौफ आना बड़ी चीज, जितने दर्जे का बुलंद आदमी होगा, जितना बड़ा बुजुर्ग होगा, जितना बड़ा औलिया अल्लाह होगा, उसको आप किसी चीज से नहीं पहचान सकते। इबादत सब इबादत करते हैं, सब करते हैं, परहेजगारी सभी करते हैं, और हर चीज पे रोज भी सब रखते हैं, इबादत भी सब करते हैं, नवाफिल सब पढ़ते हैं, अगर किसी जगह से पहचाना जा सकता है तो उसके खौफ से इसको बचाना जा सकता है। ये किस कदम बुलंद मुकाम है शख्स का, खौफ ऐसी चीज है। पीरान पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, गौसे आजम जिनको कहा जाता है, किस दर्जे के बुजुर्ग होंगे, आलम यह था कि बगदाद की मस्जिद में बैठे और एकदम ऐलान करते हैं कि तमाम औलिया अल्लाह जितने हैं उनकी गर्दन पर मेरा कदम, उनकी गर्दनों पर मेरा मुकाम देखें आप, उस तमाम जो औलिया थे उन्होंने कहा कि हमारे सर आंखों पर आपका हुक्म, इन्हें कबूल किया सब ने इस बात को गौसे आजम की, वाकई सही है ऐसे अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह का मुकाम था इतना बड़ा, देखें आप, और खौफ भी फिक्र हो जाते ना ऐसे आदमी, तो देखें आप खौफ इतने बड़े बुलंद इंसान का, अभी तो उनके मनकबत बताऊं तो आप हैरान हो जाएं कि वो क्या मुकाम था उनको, कितने बड़े अल्लाह के वली थे, क्या मुकाम था, खौफ क्या था, हरम के अंदर कंकरियों के ऊपर मिट्टी के ऊपर लीटे रो रहे हैं, क्यों समझ क्यों रो रहा है फकीर आदमी, क्यों रो रहा है, रो रहे हैं और देखते हैं और आंसू जारी हो रहे हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं या अल्लाह इस अब्दुल कादिर की बख्शिश फरमा देना, अल्लाह इस अब्दुल कादिर की बख्शिश फरमा देना, अगर मैं वाकई जुर्म का सजा का मुस्तहिक हूँ, सुभान अल्लाह, अगर वाकई में सजा का मुस्तहिक हूँ, बख्शी के काबिल में नहीं, तो मौला ऐसा करना मुझे आखिरत में अंधा उठाना, नाबीना उठाना, क्योंकि जहाँ नेक लोग बड़े बड़े लोग होंगे उनके सामने मैं तो ना देख सकूँ ताकि शर्मिंदा ना उनको देख कर, कितना बड़ा सबक है औलिया अल्लाह के साथ। हम अल्लाह वालों से यही चीज़ सीखने जाते हैं कि हमारे अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, किसी इबादत पर किसी तो
थोड़ी थोड़ी बातों पर चौड़े ना हो जाए आदमी, कुछ समझ न लगे अपने आप। और हर अमल का मियार जो रखे वो क्या रखे, अल्लाह का खौफ इंसान के अंदर कितना है। खौफ इंसान को जाता है। मैं एक अजीब नुकता आपको जहन में जो आ रहे बताऊँ कि खौफ की वजह क्या है, आ जाना किसी बंदगी पर, किसी मुकाम पर जितना आदमी बुलंद होता है उसमें खौफ क्यों आ जाता है, ये भी एक बहुत कैफियत की बात है अगर आप समझ जाए तो। क्या खौफ क्यों आ जाता है? अल्लाह ये खौफ की वजह हकीकत ये है, क्योंकि बड़े बड़े अमाल किए होते हैं, बड़े बड़े मुजाहिदात किए होते हैं इंसान ने, बड़ी बड़ी अल्लाह के रास्ते में सख्ती उठाई होती है उस शख्स ने, ये सब कुछ किया होता है ना, कितने बड़े बड़े अमाल होते हैं, सारी सारी रात अल्लाह के हजूर में कुरानों के साथ, तलावतों के साथ, नफलों के साथ गुजारी होती है, ये हद होती है, तो उसमें खौफ क्यों आता है? अल्लाह अकबर, खौफ इसलिए आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो बंदा, अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा ना हो बंदा अपने अमाल पे घमंड करने लगे, बल्कि जितना बुलंद हो मेरी रहमत की तरफ रुजू करता रहे, तो खौफ रजा इसी का नाम, ये फिर ही पलटे तो मेरी रहमत की तरफ पलटेगी। ये सब कुछ जो है ये कुछ भी नहीं है, वो चीज ये दोनों मिसालें आप मुझे दी तो है, तो कुछ भी नहीं मेरे पास, तो कुछ भी नहीं है, काम बनेगा तो तेरी रहमत से बनेगा। इसलिए खौफ दिया जाता है अल्लाह वालों को, नेक इंसानों को। हम नमाज पढ़ के गए माशाल्लाह, हम कष्ट तलाश नहीं कर रहे, हमने 100,000 तस्वीर कर ली, उसके बाद हम ख्वाब देखना नहीं चाहते, 100,000 दूसरी पढ़ा, हमें ज्यारतों के शौकीन नहीं हो गए, आज नबी हमें ज्यारत की नसीब नहीं हुई, ये होता है ना कि बाद मेरे 1,000 तो तुरुशी पड़ा, ज्यारत ही नहीं सरकार दौरसम की, मैं तो ये फला ही करता हूँ, ज्यारत ही नहीं हो रही नबी पाकसम की, वही तो बताएं जी हजरत को ज्यारत हो जाए, कितनी बड़े कितनी बड़ी बात, कैसे कि मैं तो सोचते रह जाता हूँ, कितनी बड़ी ख्वाहिश है इंसान के दिल में। अल्लाह देखें आप सर, तो वजह ये है कि नमाज इंसान को बहुत बड़ा अमल कर, कितनी बड़ा अमल करके निकलता है आदमी, तो बजाय इसके कि उसकी रहमत की तरफ ख्याल ना हो, अपने अमल की तरफ इंसान का ख्याल बन जाए, ये बड़ी बात है। मैं नमाज पढ़ के निकला हूँ, अब ये होना चाहिए, मैंने 1,00,000 तस्वीर की, अब ये होना चाहिए, इसको उसके बाद क्या होना चाहिए, ये तो फिर अल्लाह की तरफ रुजू नहीं हुआ, मेरा नुकता समझ रहे हैं आप, रुजू अल्लाह ना हुआ, ये तो रुजू अपने नफ्स की तरफ रुजू हो रहा है इंसान, मैंने इतना बड़ा अमल किया है, बड़े दलेर हो कह रहा है कि मैं तो ये कर लिया है, अब नहीं, अल्लाह ने ऐसा काम दिया है, जब बुजुर्गी अल्लाह पाक देता है तो इन अमाल के साथ इंसान को खौफ भी अता फरमा देता है, इन अमाल के साथ यही है कि जिस वक्त इंसान को बुजुर्गी मिल रही होती है तो समझो सबसे पहली चीज अमाल के बाद क्या मिलती है, उस अमाल का अजर जो मिलता है किसकी शिकल मिलता है, खौफ की शिकल मिलता है। पता नहीं मैं कुछ बातें कर गया हूँ अपने हाल ही के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुफीद करे ये बातें हमारे लिए, तो हैं कुछ तसव्वुफ की बातें ऐसी, अल्लाह ताला हम इसकी समझ नसीब फरमाए और समझें, नफ्स को समझें, जब भी मेहनत करे इंसान सब कुछ करे, लेकिन सब है सब सारा अल्लाह के अख्तियार में, बस गुनाहगार है तब भी अल्लाह के आगे रो रहा है, और बहुत बड़ा आबिद है, जाहिद है, शिक्र गुजार है, तब भी अल्लाह के आगे रो रहा है, इस मुकाम पे दोनों बराबर है, गुनहगार भी बराबर है और आबिद भी बराबर है, कई तशखीश अल्लाह पाक ने नहीं रखी, कई मुकाम ने रखा, देखा उसी माथे पे टकर के वो गुनहगार सियाकार है जो बेचारा, वो भी रो रहा है, उसी जगह पे सजदा रख के वो भी रो रहा है, उसकी गिरिया से भी आवाज क्या निकलती है, दिल और जबान से आवाज निकलती है गुनहगार की, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, उसके दिल और जहन से भी वाजी निकलती है, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, सब बराबर है उसके दरबार में दोस्तों, अल्लाह हमें खौफ नसीब फरमाए, खशियत नसीब फरमाए, रजा नसीब।